पूरे राज्य में स्वास्थ्य कर्मचारी जो अनुबंध पर बहाल हैं उन सभी का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उनकी मांग है कि उन्हें नियमितकरण किया जाए और इसको लेकर राज्य भर के 12,500 अनुबंध स्वास्थ्य कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष सभी धरने पर बैठे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से अपने विभिन्न मांगों को लेकर जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, जिसमें ANM है, GNM है, लैब टेक्नीशियन है, कुल 12,000 से 13,000 संख्या है इनकी। और ये सभी सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं कि इन्हें नियमितीकरण किया जाए और इनको जो पिछले कई वर्षों से यह काम कर रहे हैं अनुबंध पर, उन्हें बहाल किया जाए। हमारे साथ जो नेतृत्व कर रहे हैं इस धरने की, बीना जी, हम उनसे बात करेंगे। मैडम, जिस तरह से आप लोग पिछले कई वर्षों से धरना प्रदर्शन पर हैं, इसको लेकर मांग कर रहे हैं, इस बार फिर हुए हैं, क्या लगता है, क्या कुछ आश्वासन मिला अभी तक? हम लोग को अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। कल अभी तक हम लोगों को कोई भी किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मिला है। और हम लोग आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। और इसके बावजूद भी हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग 24 तारीख से आमरण अनशन पर आएंगे। देखिए, जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनका कहना है कि इनकी मांगों पर सरकार विचार नहीं कर रही है और यह लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ और स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जो धरने प्रदर्शन पर बैठी हुई, उनसे बात करेंगे। मैडम, जिस तरह से लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और आपकी बातों को सरकार अभी तक तो विचार नहीं की है, क्या लग रहा है? और जिस तरह से 24 तारीख से आप लोग धरने पर, अगर कुछ ऐसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसे मानते हैं? इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की होगी और किसी की नहीं, क्योंकि हम लोगों ने 16 साल तक कठिन श्रम करके स्वास्थ्य सेवा दिया, अंतिम सुदूर व्यक्तियों तक स्वास्थ्य सेवा को पहुँचाया है। हर एक मुकाम को, कोरोना पीरियड हो चाहे कोई भी हमारा लक्ष्य हो जो हमें दिया जाता है विभाग की तरफ से, चाहे वो टीकाकरण हो, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, सारे को हमने कवरेज किया है, कभी भी कोई कमी नहीं की है। तो हम अधिकार लेने से क्यों पीछे हटे, अधिकार लेने में क्यों पीछे हटे? इसलिए 16 साल का आक्रोश आज फूट गया है और अब हम नहीं रुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं थकेंगे। हमारा ये जुनून है कि इस बार हमारा कैबिनेट मुख्यमंत्री करें और हमें नियुक्ति पत्र पकड़ाएं, तभी हम अपना हड़ताल वापस लेंगे। और आमरण अनशन, अगर हड़ताल से बात नहीं बनी तो 24 तारीख से आमरण अनशन पे बैठेंगे। आमरण अनशन में अगर किसी की मौत होती है, कुछ भी होता है, तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हमारे माननीय मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, तमाम आला अधिकारियों की होगी। बिल्कुल, तो देखिए, जो आक्रोश है स्वास्थ्य कर्मचारियों का वो आप देख सकते हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो आमरण अनशन पर बैठेंगे। एक बार फिर तस्वीर दिखाते हैं, देखिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और यह मांग कर रहे हैं सरकार से कि उनके मांगों पर ध्यान दे, अन्यथा आने वाले समय में जो स्वास्थ्य व्यवस्था अगर चरमराती है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार होगी। तो निश्चित रूप से जिस तरह से प्रदर्शन है, हम एक और सवाल है मैडम से पूछेंगे। मैडम, जिस तरह से आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है? सरकार की तरफ से कुछ तो कहा जा रहा होगा कि क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं, हर बार हम लोग को आश्वासन दिया जा रहा है कि आप धैर्य रखिए, लेकिन हम लोग कब तक धैर्य रखें? धैर्य अब हम लोग का खत्म हो रहा है, क्योंकि 16 साल खत्म हो गए, हम लोग 17वें वर्ष में 2023 में प्रविष्ट कर गए हैं, तो कब तक हम लोग धैर्य रखें? सभी की उम्र सीमा भी समाप्त हो रही है और 16 साल में 16,000 में हम लोग कैसे अपना घर परिवार चलाएं, कैसे बच्चों को स्कूल में पढ़ाएं, कैसे हम लोग घर गृहस्थी, हम लोग का भी तबीयत खराब होता, आखिर ये सारी काम हम लोग कैसे करें इतने कम मानदेय में? बिल्कुल, तो देखिए जिस तरह से महिलाओं और जो स्वास्थ्य कर्मचारी उनका प्रदर्शन है, वह साफ कह रहे हैं कि यदि सरकार अब उनकी मांगों को विचार नहीं करती है तो 24 तारीख से वो आमरण अनशन पर बैठेंगे। और इस वजह से जिस धरना प्रदर्शन जो आज से जारी है, कल से जारी है, इसको लेकर जो राज्य भर में CSC हैं, PSC हैं, वहाँ पर काम भी बाधित हो रहा है, जिसका खामियाजा आम मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। और स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि वह काम करने के लिए तैयार हैं, सरकार उनकी मांगों पर विचार करे ताकि आने वाले समय में राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हो सके। ETV भारत के लिए हितेश कुमार चौधरी, रांची।